जगतगुरु शंकराचार्य आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यों की सराहना की और कहा, राज्य और केंद्र सरकार यथासंभव बेहतर कार्य कर रही है। सिंगरौली हरिपुर के राजवंश नगर में जगतगुरु शंकराचार्य आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ने श्री रामकथा का 9 दिवसीय वाचन किया। जगतगुरु शंकराचार्य आत्मानंद सरस्वती ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था राम मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा कि अगली बार मानसरोवर मथुरा और काशी की है, इसे हमें मुक्त कराना है। आत्मानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि वह मध्य प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरा कोई व्यक्ति होते तो घर परिवार के बारे में सोचता, नरेंद्र मोदी देश के बारे में बात कर रहे हैं, देश के बारे में तिरंगे के बारे में सोच रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में कोई किसान नहीं है, किसान के भेष में दूसरे लोग हैं, असली किसान तो अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं। शिवराज की वहां पर कहीं कोई कहानी नहीं है, शिवराज मध्य प्रदेश चलाने में सफल है और इनका जो सीमित क्षेत्र है दिल्ली के सिंहासन पर इस समय किसी की आवश्यकता नहीं है। वहां कट्टर हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, संयमी और संस्कारित व्यक्ति की आवश्यकता है। इन्हें बच्चे की याद आ सकती है, पत्नी की भी याद आ सकती है, भाइयों की भी याद आ सकती है, पड़ोसियों की भी याद आ सकती है। अब मोदी जी को केवल तिरंगे की और राम जी की याद आ सकती है, तीसरे की याद नहीं आ सकती। और देश में वही चाहिए जो राष्ट्र और धर्म दोनों को देखे, बाकी कोई काम नहीं होगा। बंटवारे का हिस्सा यदि इस्लामी राष्ट्र हो सकता है तो मूल राष्ट्र हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है, इस पर कोई अड़चन नहीं है। व्यक्तिगत में अपनी राय भी रखूं तो ये करने में विलंब हो गया है। ये मामला उसी समय का था जिस समय जिन्ना अली ने पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया था, उसी समय हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, यद्यपि उनसे उम्मीदें तो नहीं की जा सकती, परंतु उस समय जवाहरलाल को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला कैबिनेट में यही निर्णय लेना था कि यदि वो देश इस्लामी राष्ट्र हो सकता है तो भारत हिंदू राष्ट्र हो सकता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।